व्यवस्था विवरण अध्याय एक। जो बातें मूसा ने यर्दन के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने के अराबा में और पारान और तोपेल के बीच और लाबान हसेरोत और दिजहाब में सारे इसराइलियों से कही वे ये है। होरेब से कादेश बारने तक सेइर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इसराइलियों से कहने की आज्ञा दी थी उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। अर्थात जब मूसा ने एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सिहोन और बाशान के राजा अश्तारोत पासी ओक को एद्रिये में मार डाला, उसके बाद यर्दन के पार मोआब देश में वह व्यवस्था का विवरण यो करने लगा कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हुए हैं, इसलिए अब यहां से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ियों के देश को और क्या अराबा में क्या पहाड़ों में क्या नीचे के देश में क्या दक्षिण देश में क्या समुद्र के तीर पर जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देशों को अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नाम महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूं जिस देश के विषय यहोवा ने इब्राहिम इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को देता हूं, और अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा भार अकेला नहीं सह सकता क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहां तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको हजार गुना और भी बढ़ाएगा और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहेगा, परंतु तुम्हारे जंजाल और भार और झगड़े अगड़े को मैं अकेला कहां तक सह सकता हूं। सो तुम अपने एक एक गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष को चुन लो और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। इसके उत्तर में तुमने मुझसे कहा, जो कुछ तू हमसे कहता है उसका करना अच्छा है, इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात हजार हजार सौ सौ पचास पचास और दस दस के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी कि तुम अपने भाइयों के मुकदमे सुना करो और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो। न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना, किसी का मुंह देखकर न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो वह मेरे पास ले आना और मैं उसे सुनूंगा। और मैंने उसी समय तुम्हारे सारे कर्तव्य कर्म तुमको बता दिए और हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले जिसे तुमने एमोरियो के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादेश बरने तक आए। वहां मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो, न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो और
तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज दे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दे कि कौन सा मार्ग होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुम में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र के पीछे एक पुरुष चुन लिया और वे पहाड़ पर चढ़ गए और एशकोल नाम नाले को पहुंचकर उस देश का भेद लिया और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया कि जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वह अच्छा है। तो भी तुमने वहां जाने से नाह किया किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कड़ाने लगे कि यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हम तो मिस्र देश से निकल ले आया है कि हमको एमोरियो के वश में करके सत्यानाश कर डाले, हम किधर जाए। हमारे भाइयों ने यह कहके हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहां के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहां के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी शहरपनाह आकाश से बातें करते हैं और हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा है। मैंने तुमसे कहा उनके कारण त्रास मत खाओ और न डरो, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा और जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक उसके सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो, परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने यह शपथ खाई कि निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्य में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ और यह कहता कि तू भी वहां जाने न पाएगा। नून का पुत्र यहोशु जो तेरे सामने खड़ा रहता है वह तो वहां जाने पाएगा, सो तू उसको हियाव दे क्योंकि उस देश को इसराइलियों के अधिकार में वही कर देगा। फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो कि ये लूट में चले जाएंगे और तुम्हारे जो लड़के बाले अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते वे वहां प्रवेश करेंगे और उनको मैं वह देश दूंगा और वे उसके अधिकारी होंगे, परंतु तुम लोग घूमकर कुछ करो और लाल समुद्र के मार्ग में जंगल की ओर जाओ। तब तुमने मुझसे कहा हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। तब यहोवा ने मुझसे कहा उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार खाओ। यह बात मैंने तुमसे कह दी परंतु तुमने न मानी, किंतु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों की नाई तुम्हारा पीछा किया और
सेर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी न तुम्हारी बातों पर कान लगाया, और तुम कादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहां तक कि एक युग हो गया।